मैंने इनफैक्ट मुझे याद है कि जब पहली दफा मुझे अप्रोच किया गया इसके लिए तो मैंने उन्हें मैंने फिल्म के काफ़ी विजुअल्स देखे, बहुत कमाल के लगे मुझे। और मेरा एक ही सवाल था कि यार हम लोग भाषा, मुझे पता नहीं था कि कैसी है, पर मैंने यही बोला कि भाषा थोड़ी सिंपल रखेंगे ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ। और आज भी जब हम डब करते हैं फिल्म को तो काफ़ी चेंजेस लेके आते हैं, यू नो, जो हिंदी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ताकि यू नो, मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ कि अगर मैं एज एन ऑडियंस वो फिल्म देख रहा हूँ, डब इंग्लिश फिल्म देख रहा हूँ, तो मैं रिलेट कर पाऊँ, मुझे कुछ अटपटा ना लगे, कुछ ऐसे शब्द यू नो जो मुझे लगता है कि शायद मैं भी अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं बोलता हूँ, तो हरक्यूलिस कैसे बोलेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो हमारे यू नो स्क्रिप्ट डायरेक्टर हैं उनके साथ कुछ ऐसे ऐसे लाइन्स बना लें जो लोगों को डेफिनेटली पसंद आएंगे। डेफिनेटली आई फील कि एक तो बजट सबसे बड़ी चीज़ है, यू नो इतने नहीं, बट आई थिंक प्रोडक्शन बजट अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है, यू नो आई थिंक दे आर ह्यूज और इंटरनेशनल मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, और हमें थोड़ा वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। और फिर भी आई थिंक प्रिपरेशंस जो हैं बहुत यू नो समय लगाते हैं वो लोग फिल्म बनाने में, 5-5, 6-6 साल का प्री प्रोडक्शन होता है। हम लोग यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक्टर्स भी बिजी हैं, और आई थिंक स्क्रिप्ट लॉक हो ना हो, अगर एक्टर डायरेक्टर रेडी है तो कहानी शुरू हो ही जाती है, तो प्री प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं बड़ा नहीं मानता हूँ अपने आप को, शुरुआत ही है, बट लाइक आई सेड मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी, मुझे लगा कि एक ऐसी फिल्म जिसके साथ मैं रिलेट कर पाऊंगा। मैंने भी यू नो सबसे पूछा गिरीश से, यू नो दीपक जी से, कि मैं क्यों, बट आई दे थॉट कि यू नो मे बी आप फिटनेस की तरफ आपका यू नो एक इंक्लिनेशन है और लोग रिलेट कर पाएंगे हरक्यूलिस के साथ। फिर एक वॉइस लोग पहचानते हैं जो थोड़ी बहुत फिल्म्स की हैं, तो उसके कारण एक कनेक्शन ज़रूर था। बट लाइक आई सेड यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं वो विजुअल्स देखता हूँ मैं कनेक्ट कर पाऊँ। अगर मैं दौड़ रहा हूँ किसी के साथ लड़ने के लिए तो मैं वो फील कर पाऊँ स्क्रीन पे, और जब तक वो फिजिकलिटीज नहीं मिलेंगी तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बन नहीं पाएगा। आई वुड से दैट माइट बी द रीजन फॉर दैट। रियली एंजॉयड इट, बहुत मजा आ रहा है। In fact, those visuals are so big, so huge, इतने कमाल के हैं कि आवाज़ भी के लिए भी खूब मेहनत करनी पड़ती है कि वो मैच कर पाए उन विजुअल्स को। बट लाइक आई सेड यू नो इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस डबिंग फॉर एन इंग्लिश फिल्म, और आई एम थोरली एंजॉयिंग इट। आई थिंक इट गिव्स यू अ हाई। मैंने इनफैक्ट रीजन से भी सवाल पूछा था कि मैं क्यों, बट लाइक दे सेड कि यू नो हरक्यूलिस है, फिर फिजिकलिटीज हम लोग चाह रहे थे कि यू नो एक फिट एक्टर चाहिए, और लेट टू द वॉइस, आई थिंक दैट्स अ रीजन मैं फिल्म कर रहा हूँ। बट लाइक दे सेड यू नो द एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल और थोरली एंजॉयिंग। बन रही थी तब मेरी एंग्ली से मुलाकात हुई थी काफ़ी समय तक की, और इंग्लिश से एक्सचेंज वगैरह आई मेट हिम आल्सो जब वहाँ पे आए थे वो लोग। बट आई थिंक ग्रेट पीपल, दे थॉट कि यू नो आई वाज टू यंग फॉर द रोल, आई थिंक उफान इज द रोल फैन। बट लाइक यू सेड यू नो इंडियन सिनेमा इतना ग्रो हो चुका है कि यू नो ऑल द पीपल आर वाचिंग यू, आपके काम को मॉनिटर किया जाता है। So whenever it happens, it will happen. Actually, I've done a film called City of Life. You know, जिसमें बहुत सारे हॉलीवुड एक्टर्स थे और दुबई में शूट हुई थी फिल्म। वो फिल्म ने इंटरनेशनल सर्किट पे काफ़ी यू नो धमाल मचाया था। आई थिंक दे सॉ द कास्टिंग डायरेक्टर्स ने वो फिल्म देखी थी, जिसके कारण मुझे वो ऑफर आया था उसमें। आई थिंक आई थोड़ी इन्जॉय इट। या मैंने भी ऐसा सुना था, लाइक आई सेड यू नो अक्षय की फैमिली हम लोग यू नो साथ में एंटरटेनमेंट शूट करके आए हैं, यू नो एकदम बड़े भाई जैसे हैं मेरे, और जब तक मैं करूँ वो करें, वो भी पंजाबी हैं मैं भी पंजाबी हूँ, तो आई थिंक पंजाबी कोई भी करे कोई क्या फ़र्क पड़ता है, बड़ा फिल्म इज गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता।